मध्य प्रदेश बन रहा है एक बार फिर से मध्य प्रदेश पर दिग्गज दौरे पर आने वाले हैं। कल भोपाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पदाधिकारियों के नामों की भी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। 26 जुलाई को मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। 12 अगस्त को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का फिर से दौरा हो सकता है। तो संत रविदास मंदिर की आधारशिला मोदी रख सकते हैं। पिछड़ी जातियों का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी ने यह बड़ा प्लान तैयार किया है। तो बीजेपी अब एक सामाजिक समरसता जागरूकता अभियान भी शुरू करने जा रही है, जिसमें मंदिर निर्माण में प्रदेश भर की नदियों का जल और मिट्टी लेकर लोग सागर पहुंचेंगे। तो अमित शाह 26 को बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है और सभी महत्वपूर्ण नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, लगातार मध्य प्रदेश में चुनावों की आहट सुनाई देने लगी है और अब बीजेपी पूरी तैयारी के साथ है, लगातार दिग्गज मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे, गृह मंत्री भी आएंगे और कल जेपी नड्डा का भी दौरा रहेगा। देखिए, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी 2023 का चुनाव बहुत ही अलग तरीके से लड़ने जा रही है और यही कारण है कि हम तमाम दिग्गज नेताओं के दौरे मध्य प्रदेश देख रहे हैं। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोपाल मध्य प्रदेश आ चुके हैं, भोपाल में दौरा हो चुका है, इससे शहडोल पहुंच चुके हैं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का दौरा हो चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं और एक बार फिर कह सकते हैं कि एक महीने के अंदर दूसरा और तीसरा दौरा दोनों नेताओं का होने वाला है। इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही, खासतौर से चुनाव प्रबंधन समिति के बनने के बाद, संयोजक बनाने के बाद अब अलग अलग समितियां बनाना है, करीब 35 प्रकार की समितियां बनाना है, जिसमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चुनाव प्रबंधन समिति, प्रचार सामग्री की बात करें या जो खासतौर से संकल्प पत्र रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, तमाम अलग अलग समितियों का गठन होना है। इसको लेकर माना जा रहा है शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल पहुंचेंगे, प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव पहुंचेंगे और चुनाव जो प्रबंधन समिति है उसके संयोजक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचने वाले हैं और इसके अलावा खासतौर से 26 जुलाई को फिर से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा रहेगा, जिसमें तमाम समितियों को लेकर चर्चा की जाएगी, नामों पर सहमति बनकर घोषणा की जाएगी और माना जा रहा है कि चुनावी कार्यालय है उसका भी शुभारंभ किया सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर पहुंच रहे हैं, जहां पर खासतौर से संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। माना जा रहा है कि 100 करोड़ की लागत से एक बड़ा भव्य मंदिर संत रविदास का बन रहा है, जिसके जरिए पूरे प्रदेश में खासतौर से एससी वर्ग के लोगों को साधना है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री बिल्कुल लगातार जिस तरह से फोकस किया जा रहा है, सूरज, ये भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी कोई भी कोर कसर इन चुनावों में नहीं छोड़ना चाहती है। शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। और चलिए बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो